अब आए दिन फ्लोर पे हम क्या देखते हैं, हमारे साथ क्या दिक्कत होता है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी की ये एक बड़ा कॉमन समस्या है। जैसे हमेशा हमारा क्या होता है, सर दर्द है, आज तो आ नहीं पाऊंगा, बुखार है सर, आ नहीं पाऊंगा, ये रेगुलर समस्या है। ये वैसे ही ये भी रेगुलर समस्या है कि मैक्सिमम मेजर कैटेगरी में क्या होता है, कहीं लो डेंसिटी और कहीं हाई डेंसिटी है। अब हम समझते हैं कि ये लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी ये समस्या कैसे पैदा होती है और इसका समाधान क्या है। पहले तो बीमारी हम देखेंगे ना, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बीमारी पैदा कैसे होता है, हाई डेंसिटी का लो डेंसिटी का। और जब बीमारी पता चल जाएगा तो समाधान तो हम कर ही लेंगे। और ये जो समाधान हम करेंगे वो परमानेंट बेस करेक्शन होगा। कि एक चीज हमेशा याद रखो, प्रोसेस और एसओपी अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं थ्रू आउट ईयर, आपको कभी भी समस्या नहीं आएगा। कोई भी विजिट पे आएगा आपको अप्रिशिएट करेगा कि आपका फ्लोर, आपका हर चीज बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ है, सुंदर लगेगा और आपको भी अपना काम करने में मजा आएगा और आगे बढ़ना है हमें भी जिंदगी में। तो आगे बढ़ने के लिए क्या है ना, सबसे पहले अपने काम में परफेक्शन होना जरूरी है। आप समझते हैं लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी ये एक्चुअल समस्या आती कैसे है। किसी भी मेजर कैटेगरी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें बजट और गंडोला दिया जाता है, स्पेस प्लान किया जाता है कि इस मेजर कैटेगरी को आपको इतना गंडोला देना है, डिस्प्ले करना है। दूसरा, फिर जोनिंग दिया जाता है कि इस मेजर कैटेगरी को कितना आपका फ्लोर पे है गंडोला और कितना वॉल पे है। सबसे पहले आपका क्या प्लान किया गया, स्पेस प्लान किया गया कि इस मेजर कैटेगरी को आपको इतना गंडोला देना है, जिसको हम स्पेस प्लान कहते हैं। कि इस मेजर कैटेगरी का अब एक एग्जांपल हम लेते हैं जींस का, कि जींस का आपका बजट गंडोला है यानी स्पेस प्लान किया गया 20 गंडोले का। कितना प्लान किया गया, 20 गंडोला। अब उसका जोनिंग बनाया जाता है, जोनिंग बनाया जाता है जो कि एक सबसे पहले क्या करती है, एचओ की टीम, प्लानिंग की टीम आपको बना के देती है। फिर आपसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि बेटा आप पहले तो ये वेटिंग कर लो कि आपको क्या 20 गंडोला देना है, जो बजट हमने दिया सही है, और अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं कि नहीं मेरे को कुछ गंडोला कम करना है या बढ़ाना है, तो वो भी आप वेटिंग करने के लिए आपको स्पेस प्लान एवरी मंथ दिया जाता है। तो वहां भी आप अपना इनपुट दे सकते हैं कि मुझे गंडोला बढ़ाना है या घटाना है। अब मान के चलते हैं कि अगर हम उस पे एग्री है कि 20 गंडोला ठीक है, तो हमने स्पेस प्लान पहले एग्री कर लिया, हमारे पास राइट है, उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, हम अपना सुझाव दे सकते हैं। दूसरा फिर होता है जोनिंग। जोनिंग में होता है, जोनिंग पहले तो एचओ की टीम भी देती है और उसके बाद आपको भी दिया जाता है बेटिंग करने के लिए कि बेटा आपका जोनिंग है, आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, आपको चूंकि सेल करना है तो आप मेन ओनर है, आपका आप जो भी सुझाव देते हैं उसको एचओ की टीम एक्सेप्ट करती है। तो अगर आपने सुझाव दिया कि सर मैं वॉल पे लगा रहा हूं और फ्लोर पे लगा रहा हूं, इस जगह पे लगा रहा हूं, आपने जोनिंग फाइनल कर दिया, अब 20 गंडोला देना था, आप 10 गंडोला आपने दिया फ्लोर पे और 10 गंडोला दिया वॉल पे, 10 वॉल पे और 10 फ्लोर पे, जोनिंग हो गया हमारा जी। अब आते हैं हम डिस्प्ले में। डिस्प्ले में तीसरा, पहला क्या हुआ, स्पेस प्लान, दूसरा क्या हुआ, जोनिंग। अब हम आएंगे तीसरा, डिस्प्ले टाइप में। अब तीसरा किस में आएंगे, डिस्प्ले टाइप में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बजट अगर 20 गंडोला है तो एक्चुअल भी 20 गंडोला देंगे, एक्चुअल भी 20 गंडोला देंगे। अब अगर एक्चुअल 20 गंडोला हम नहीं देते हैं और स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, और सपोज अगर 15 गंडोला देते हैं तो क्या होगा, ओवर डेंसिटी हो जाएगा, ओवर डेंसिटी हो जाएगा ना 001 में, क्योंकि 20 गंडोले का माल अगर 15 गंडोले में लगाएंगे स्टॉक अवेलेबल रहने के बाद, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवर डेंसिटी।
अगर 20 गंडोले के माल 25 गंडोला में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर टैक्सिंग। तो सबसे पहले अगर मेरा किसी भी मेजर कैटेगरी में अंडर डेंसिटी या ओवर डेंसिटी है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? बजट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बजट, मेरा बजट गंडोला कितना है और एक्चुअल कितना हमने दिया है, तो उससे समझ में आ जाएगा। अब जब प्लान ही तुम्हारा 20 गंडोले का है और तुमने लगा दिया 25 गंडोला तो क्या हो जाएगा? लो डेंसिटी। अगर बजट गंडोला है 20 का और तुमने लगा दिया 15 तो क्या हो जाएगा? ओवर डेंसिटी। तो सबसे पहले मैं क्या करेक्ट करूंगा? अपना बजट गंडोला एक्चुअल गंडोले कैसे मैच करूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद भी अब सपोज तुमने मैच तो कर लिया कि बीसी गंडोला का बजट है, बीसी मैंने एक्चुअल भी लगाया है और स्टॉक अवेलेबल है। बाद में मैं बोल रहा हूं एक्सेप्शन कैसे कि अगर आपके पास माल ही नहीं है, डीसी में भी शॉर्ट है और उसमें भी बंद में भी शॉर्ट है, तो ये फिर अलग केस हो जाएगा जो कि मैं अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अब तीसरा हम क्या देखेंगे? डिस्प्ले टाइप। डिस्प्ले टाइप में हम ये देखेंगे कि जो 10 गंडोला हमने फ्लोर पे लगाया है, वो 10 गंडोला जो फ्लोर पे लगाया है और हर एक गंडोले में एज पर डिस्प्ले टाइप 1S प्लस 4i फिक्चर लगा हुआ है कि नहीं, 1S प्लस 4i फिक्चर लगा हुआ है कि नहीं। हम हमेशा देखते हैं कि कहीं 3i रोड लगा हुआ है, कहीं सेल्फ है ही नहीं, कहीं 2i रोड लगा हुआ है, वो कैसे लगता है? कहीं इसमें क्या होता है कि वन लेग डिस्प्ले होता है, 4i रेड इसलिए लगा होता है क्योंकि हमारा वन लेग डिस्प्ले होता है। अब जैसे ही हम खोल के उसको लगाते हैं, जींस एक जींस लेके आया ना जो हैंगिंग फॉर एग्जांपल लेके आना, जैसे ही हम खोल के लगाते हैं तो हमारा हमारा फिर क्या हो जाता है? 4i रोड नहीं लग पाता है। जैसे ये सिंगल डिस्प्ले होता है तो ये इस कारण कितना हम आई रोड लगा पाते हैं? 4। लेकिन अगर कोई स्टोर में डिस्प्ले नया ललका है या नहीं कर रहा, जैसे ही हम इस तरह से डिस्प्ले करते हैं, ओपन करते हैं, तो 4i रोड नहीं लगा पाते हैं, तो हम या तो 2 लगाते हैं या फिर 3 लगाते हैं। तो जैसे ही ऐसे करते हैं, क्योंकि प्लानिंग टीम ने अपना बनाया इस तरह से 4i रोड और 1 सेल, तो उस तरह से ले रखा है, और जैसे ही हमने कम पीस डिस्प्ले किया तो हमारा पिकिंग तो आता रहेगा। तो अब हम जबरदस्ती उसको क्या करेंगे? उसी 4i रोड का माल 3i रोड में लगाएंगे तो क्या होगा? ओवर डेंसिटी। अगर हमने ऊपर सेल्फ नहीं लगाया है और उस सेल्फ का माल आई रोड में लगाएंगे तो क्या होगा? ओवर डेंसिटी। तो सबसे पहले हम फिक्चर देखेंगे। वॉल गंडोला में हमें कितना सेल्फ देना है? 6। अगर हमने 5 दिया तो क्या हो जाएगा? ओवर डेंसिटी। अगर 4 दिया तो क्या हो जाएगा? ओवर डेंसिटी। 4 और ज्यादा ओवर डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करेक्ट करना होगा? डिस्प्ले टाइप की, एज पर डिस्प्ले टाइप हमने कितना फिक्चर किस मेजर कैटेगरी को दिया। अब हमने चेक कर लिया भाई मेरा फिक्चर सही है, हमारे पास डिस्प्ले प्रायोरिटी की सीट है, उस डिस्प्ले प्रायोरिटी की सीट को हर मेजर कैटेगरी के पास ले जाके हम टिक मार देंगे कि भैया मेरा एज पर डिस्प्ले टाइप ठीक है, फिक्चर सारा सही लगा हुआ है। और फिक्चर की रिक्वायरमेंट भी कैसे बनती है? ऐसे ही बनते, डिस्प्ले टाइप को देख के बनते। अभी हम क्या करते हैं? रेंडम बोल देते हैं, अच्छा रिक्वायरमेंट मांग रहा है नॉन ट्रेडिंग का, किसका फोन आ रहा है? एरिया कोनेटा का फोन आया है, एक काम का डाल दे, 100 सेल्फ डाल दे, 50 हेरोड डाल दे, फिर किसी और भी से पूछा, FM से बुलाया, और फिर सोचता है जैसे होता था प्राचीन काल में कि एक बार सोचा उसके बाद एकदम से उसके दिमाग में आ गया, हाँ सर डालिए सर, 200 हेरोड डाल दीजिए सर, 100 सेल्फ डाल दीजिए सर, अच्छा हैंगर कितना होगा तो डाल दीजिए सर, 1000 हैंगर डाल दीजिए, अच्छा हाईरोड हार्टेक कितना चाहिए, डाल दीजिए सर 2000 हार्टेक डाल दीजिए, बन गया जी आपका रिक्वायरमेंट। यही फैक्ट है, ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद जब रिक्वायरमेंट जाता है, आ भी जाता है, तो या तो वो वाला स्टॉक यहाँ एक्सेस हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, या शॉर्ट हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया तुम्हें डिस्प्ले टाइप, तो कभी भी हम नॉन ट्रेडिंग का रिक्वायरमेंट मांगेंगे तो क्या टू द पॉइंट नहीं होगा? कभी भी शॉर्ट होगा? नहीं। कभी भी एक्सेस होगा? नहीं। क्योंकि सेल्फ का मेरे को रिक्वायरमेंट निकल गया, आयरन का निकल गया, उसके बाद उसी से मेरा हैंगर का निकल जाएगा डिस्प्ले डेंसिटी से,
और उसी से मेरा हार्ट अटैक का डिस्प्ले डेंसिटी से निकल जाएगा। तो कभी भी गलत होगा नहीं होगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा अपने रिक्वायरमेंट के लिए, कॉन्फिडेंट रहूंगा ना। लेकिन अभी कोई पूछता है ऊपर से, यार तुम्हारा कम तो नहीं हार्ट अटैक, तो सर 5000 कर दीजिए, सर 3000 से बढ़ा के 5000 कर दीजिए। या फिर पूछ दिया यार ऐसा लग रहा है कि ज्यादा तो नहीं तुम मांग रहे हो, जो तुम्हारे पास पहले का भी तो होगा, एक काम करिए सर 2000 कर दीजिए। क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जब ऊपर से पूछा जाता है यार 3000 तुम कैसे मांग रहे हो, सर बहुत हैंगर की कमी है, सर बहुत कमी है, सर माल डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, बहुत हैंगर की कमी है, माल डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, ये कोई क्लियर कट कोई डिफिनेशन नहीं है कि जिसके वजह से आपको दिया जा सके। क्लियर का डिफिनेशन क्या है कि सर ये मेरा एज पर डिस्प्ले टाइप इतना शॉर्ट है और एज पर डिस्प्ले डेंसिटी मेरा इतना शॉर्ट हो रहा है, हार्ट टैंग है और हैंगर। अब हमने क्या किया, डिस्प्ले टाइप से हमने फिक्चर सही कर लिया, उससे सेम टाइम रिक्वायरमेंट भी मिल गया। अब फिर भी अगर मेरा ओवर डेंसिटी या अंडर डेंसिटी होगा तो क्या होगा, फिर हम देखेंगे डिस्प्ले डेंसिटी कि 15 पीस हरेक आयरोड में हैंगिंग में है कि नहीं, 24 पीस बाल गंडोला के हरेक सेल्फ में 24 पीस डिस्प्ले है कि नहीं। जैसे ही ये तुम करोगे, तुम्हारा उस मेजर कैटेगरी का डिस्प्ले तुम देख के कहोगे भाई साहब क्या सुंदर लगा है, लगेगा कि नहीं, और कॉन्फिडेंस कहां जाएगा, सातवें आसमान पे। कॉन्फिडेंस हाई होगा हाई, यस सर। तो ये काम का क्लैरिटी और उस काम को करने का प्रोसेस की क्लैरिटी जरूरी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही ये होता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आने लगता है। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अभी हमें सोचना है, अब ये तो हुआ, इसके बावजूद अंडर डेंसिटी लो डेंसिटी हो सकता है, क्या उसके पीछे कारण हो सकता है। ये सारा चीज मैंने सही कर लिया, मैंने लेआउट भी ठीक कर लिया, जोनिंग भी ठीक कर लिया, डिस्प्ले टाइप भी ठीक कर लिया, डिस्प्ले डेंसिटी भी ठीक कर लिया, ठीक है। इसके बावजूद भी ओवर डेंसिटी या अंडर डेंसिटी हो सकता है, उसके पीछे क्या कारण होगा, आपके स्टोर का स्टॉक मिसमैच, मतलब सिस्टम वर्सेस फिजिकल स्टॉक मिसमैच होगा, तब भी ये ओवर डेंसिटी अंडर डेंसिटी हो सकता है। लेकिन ये तो तब पहुंचेगा ना जब ये सारा एक्सरसाइज हम कर लेंगे। अब ये सारा एक्सरसाइज करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ गया, आपने कहा सर 20 गंडोले का बजट क्वांटिटी इतना होता है डिस्प्ले, और इसके बाद मेरे पास जो दोनों गंडोले का 1480 1440 और 840, ठीक है, तो 2300 के करीब होगा। अब 2300 पीस डिस्प्ले में होना चाहिए। अब आपको दिख रहा है कि सर इसमें तो 2800 पीस है, तो 500 पीस अगर एक्सेस है, डिस्प्ले डेंसिटी से एक्सेस है, 2300 पीस से ज्यादा डिस्प्ले तो कर नहीं सकते जो अपना प्रोसेस है। और अगर 2800 पीस 0001 में है और सिस्टम भी आपको दिखा रहा है कि 2800 पीस है, यानी सिस्टम और फिजिकल जोनिंग का कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लो डेंसिटी और अंडर डेंसिटी है वो दोनों का मेन कारण जोनिंग भी हो सकता है। कि जैसे अगर जींस का 20 गंडोला है और जोनिंग में आपका 10 गंडोला वॉल पे है और 10 गंडोला फ्लोर पे है, तो दोनों का डेंसिटी अलग होता है, क्योंकि वॉल की जो डेंसिटी है 24 एक सेल्फ में होता है और 6 सेल्फ देना होता है, यानी 144 पीस का, और फ्लोर में अगर देखेंगे तो 4 आयरन और 24 पीस यहाँ, यानी 84 पीस। तो एक वॉल गंडोला और एक फ्लोर गंडोला के डेंसिटी में 60 पीस का डिफरेंस होता है, 144 पीस अपना वॉल पे लगता है और फ्लोर पे 84 पीस लगता है, यानी 60 पीस का डिफरेंस है। अब अगर सपोज आप मान लीजिए कि डेंसिटी हमारा बना हुआ है 10 गंडोला लगा हुआ है वॉल पे, तो 1440 पीस हो गया, फ्लोर पे अगर हमने लगाया 10 गंडोले का तो 840 पीस हो गया। अगर स्टोर इसमें गड़बड़ करता है, यानी जोनिंग को फॉलो नहीं करता है, यानी वो करता क्या है कि 10 गंडोला वॉल है और सपोज 5 ही गंडोला अगर वॉल पे देता है, 5 गंडोला अगर केवल वॉल देता है और 15 गंडोला अगर वो फ्लोर देता है, तो फ्लोर गंडोला में ओवर डेंसिटी हो जाएगा, क्योंकि एक गंडोला में 60 पीस का डिफरेंस है। तो 5 गंडोला अगर उसने वॉल पे लगाया है,
फ्लोर पे तो 5 × 60 300 पीस एक्सेस हो जाएगा फ्लोर पे लगाने के लिए। अब अगर उसी 15 गंडोले के अंदर यानी 5 दिया वॉल पे और 15 दे दिया फ्लोर पे और वॉल की कैपेसिटी के अनुसार बाकी के 10 गंडोले में 15 गंडोले में अगर वो सारा पीस लगाएगा तो ओवर डेंसिटी हो जाएगा। या तो फिर क्या करना पड़ेगा, बजट से उसको एक्चुअल गंडोला ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादातर हम देखते हैं क्या है स्टोर में, फिर क्या कई तरह की समस्याएं आने शुरू हो जाएगी। फिर फ्लोर में सेल्समैन ऑफ फ्लोर में यह कहता है कि सर मेरे पास पैकिंग गलत हो रहा है, माल मेरे पास डीसी से ज्यादा आ रहा है, जबकि समस्या कुछ और होती है, समस्या होती है जोनिंग की। इसी प्रकार से आप उल्टा देखें कि जो 10 गंडोला हमने फ्लोर पे दिया था और सपोज अगर 15 गंडोला दे दिया जाए वॉल पे, 10 देना था वॉल पे या 10 देना फ्लोर पे। अब सपोज अगर 5 गंडोला हमने दिया फ्लोर पे और वॉल पे कर दिया 15, तो फ्लोर की कैपेसिटी थी 84 पीस की और 5 गंडोला हमने बढ़ा दिया वॉल पे, तो उसमें हो जाएगा लो डेंसिटी, क्योंकि 5 गंडोले का यानी 84×5 420 पीस हो गया अपना फ्लोर का, और जब 5 गंडोला हमने बढ़ाया वॉल पे तो 144×700 समथिंग पीस हो जाएगा, तो 300 पीस वहाँ कम लगेगा। अब जब 300 पीस अगर कम हम लगाते हैं बजट एक्चुअल मैच करके, तो जाहिर सी बात है लो डेंसिटी हो जाएगा। तो लो डेंसिटी का ये कारण होता है। फिर हम फ्लोर में ज्यादातर क्या कहते हैं कि सर माल है नहीं हमारे पास, हमारे पास माल की कमी है, जबकि फील रेट सही दिखाता रहता है। तो मेन कारण तो फील रेट अगर सही दिखा रहा है और उसके बाद अगर ये लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि हमारा जोनिंग सही है कि नहीं है, क्योंकि जो और ये हमेशा देखना चाहिए किसी भी मेजर कैटेगरी का अगर हम डिस्प्ले करते हैं। जोनिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वॉल गंडोला पे कितना हमें देना है और फ्लोर गंडोला पे कितना देना है, क्योंकि अगर ये हम जोनिंग फॉलो नहीं करते हैं तो ओवर डेंसिटी भी होगा अंडर डेंसिटी भी होगा। इसके अलावा आपको फेसिंग और एक फेसिंग में कितना स्टैकिंग है, ये सब का ध्यान रखना है। तो मोटा मोटी मैंने पूरा ओवर डेंसिटी अंडर डेंसिटी प्लान स्टोर का ऑपरेशन कहाँ गैप हो सकता है ये हमें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये हम सब करते हैं तो हमारा ओवर डेंसिटी अंडर डेंसिटी अंडर पिकिंग ओवर पिकिंग स्टॉक शॉर्ट ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। थैंक यू।